नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम वर्ड। ये सभी वर्ड्स पिछले परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं और आपके आने वाले परीक्षाओं में भी पूछे जाने की उम्मीद है, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, पुलिस, रेलवे, यूपीपीसीएल, यूपीआरयूएनएल, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जहां पर इंग्लिश सब्जेक्ट शामिल होता है वहां पर इस टॉपिक से कम 3 से 4 नंबर तक के क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं और कोशिश करिएगा, आप लोग ट्राई करिएगा, अगर आप लोग को इसका आंसर पता होगा, जो भी वर्ड यहां पर दिए हुए हैं, अगर आपको सिनोनिम पता होगा तो आप लोग कमेंट करके भी बताइएगा, ठीक है। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड्स आपके लिए लेकर के आए हैं। तो आज का पहला वर्ड दिया हुआ है टेडियस, पहला वर्ड दिया हुआ है टेडियस, जिसको हिंदी में कहते हैं दिलचस्प। टेडियस को हिंदी में कहते हैं दिलचस्प। अब यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आपको बताना है कौन कौन सा वर्ड टेडियस का सिनोनिम है। पहला है पेनफुल, दूसरा है ट्रबलसम, तीसरा है मोनोटोनस और चौथा दिया हुआ है लेबोरियस। पहला है पेनफुल, दूसरा है ट्रबलसम, तीसरा है मोनोटोनस, चौथा है लेबोरियस। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताएं अगर आपको पता है तो। देखिए यहां पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ये दोनों हो जाएगा आपका टेडियस का सिनोनिम वर्ड, मोनोटोनस और लेबोरियस, इन दोनों का मतलब होता है दिलचस्प। ओके दोस्तों, आप लोग पेन कॉपी साथ लेके बैठिएगा, अगर जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट भी करते रहिएगा। चलिए अगला वर्ड दिया हुआ है दूसरे नंबर पर, प्रीडोमिनेंटली, ठीक है। दूसरा वर्ड दिया हुआ है प्रीडोमिनेंटली, जिसको हिंदी में कहा जाता है मुख्य रूप से। क्या कहा जाता है? मुख्य रूप से। ऑप्शन ए मोस्टली, बी चीफली, सी फोर्सफुली, डी प्रोफाउंडली। ए मोस्टली, बी चीफली, सी फोर्सफुली, डी प्रोफाउंडली। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताएं अगर आपको पता है तो। क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट करिएगा, जैसे आप कमेंट कर रहे हैं दूसरे का तो कोई इस तरह से लिखिएगा, उसके बाद ब्रैकेट बनाइएगा और जो भी आपका आंसर होगा, ए बी सी डी, जो भी आंसर होगा इस तरह से लिख के बताइएगा, ठीक है, जिससे पता चल सके आप किसका आंसर बताना चाह रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहां पर देखिए ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, यानी ए और बी यहां पर आपके सिनोनिम हो जाएंगे प्रीडोमिनेंटली के, ठीक है। प्रीडोमिनेंटली के सिनोनिम हो जाएंगे मोस्टली और चीफली। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है अपेल्ड, अपेल्ड यानी हिंदी होती है चकित, अपेल्ड की हिंदी होती है चकित, सडन, ठीक है, सडन, अलार्म्ड, शॉक्ड, स्केयर्ड। आई होप आप लोग इसका आंसर सही कमेंट करके बताएंगे, बहुत ही सिंपल वर्ड है, एपेल यानी होता है चकित, तो यहां पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, ठीक है, सी सही हो जाएगा, शॉक्ड, तीसरे का सी, ठीक है। वीडियो रोक करके नोट कर लीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, जहां भी आपका स्टडी ग्रुप है। क्वेश्चन नंबर 4, लिबर्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या दिया हुआ है? लिबर्टी, जिसका हिंदी होता है स्वतंत्रता या स्वाधीनता, स्वतंत्रता या स्वाधीनता। ऑप्शन ए चैरिटी, ऑप्शन बी फ्रीडम, ऑप्शन सी इंडिपेंडेंस, ऑप्शन डी इक्वलिटी। चैरिटी, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, इक्वलिटी, यहां पर आपको बताना है लिबर्टी यानी स्वतंत्रता स्वाधीनता का सिनोनिम क्या होगा। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी फ्रीडम, ऑप्शन सी इंडिपेंडेंस, ये दोनों का मतलब होता है स्वतंत्रता, ठीक है, बी और सी यहां पर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है 5वें नंबर पर, स्टेलमेट, ठीक है, स्टेलमेट का हिंदी हो जाएगा गतिरोध। ऑप्शन ए डेडलॉक, ऑप्शन बी स्टैंड स्टिल, ऑप्शन सी डेड हीट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। स्टेलमेट यानी होता है गतिरोध।
ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। देखिए एसएससी के एग्जाम में ज्यादा फोकस किया जाता है सिनोनिम एंटोनिम्स पर। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग कमेंट करके बता दिए होंगे इसका आंसर। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, ये सभी इसके सिनोनिम वर्ड हैं। पॉइंट नंबर सिक्स क्या है? इरिसोल्यूट। इरिसोल्यूट जिसका हिंदी होता है डगमग या ढुलमुल, यानी कोई भी एक बात पे ना रहने वाला। अगर आपने कुछ बोल दिया तो आपकी तरफ, किसी और ने कुछ बोल दिया तो उसकी तरफ, ढुलमुल होने वाला, ढनगने वाला इधर उधर। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? अनडिसाइडेड, अनकमिटेड, अनरिसॉल्व्ड या ऑल ऑफ द एबव। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताएं। इरिसोल्यूट, डगमग, ढुलमुल। तो देखिए यहां पर अनडिसाइडेड, ठीक है, एक जगह निश्चित ना करने वाला, ये भी सही होगा। अनकमिटेड, अनरिसॉल्व्ड, ये तीनों यहां पर सही हो जाएंगे, ए बी सी। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। अगला वर्ड दिया हुआ है इंटाइस। इंटाइस दिया हुआ है और इसका हिंदी होता है लुभाना या बहकाना, और इसको कह सकते हैं फुसलाना। इंटाइस का हिंदी होता है लुभाना या बहकाना। अट्रैक्ट, इन्फॉर्म, ऑब्जर्व, डिसओबे। अट्रैक्ट, इन्फॉर्म, ऑब्जर्व, डिसओबे। राइट आंसर ऑप्शन ए, यहां पर आपका आंसर ए सही होगा, अट्रैक्ट। इंटाइस का क्या हो जाएगा सिनोनिम? अट्रैक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पॉइंट नंबर एट, इमिनेंट क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स? इमिनेंट जिसका हिंदी होता है करीब या निकट, ठीक है, निकट या करीब। इमिनेंट का होता है हिंदी, इमिनेंट, फ्यूचर, इम्पेंडिंग, इमीडिएट। राइट आंसर ऑप्शन सी, इम्पेंडिंग, ठीक है, इमिनेंट का हो जाएगा सिनोनिम इम्पेंडिंग। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर नाइन, मैमोथ क्या दिया हुआ है? मैमोथ, देखिए ऐसे वर्ड आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, यूपीपीसीएल में और यूपीआरवीयूएनएल, है ना, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ऐसे वर्ड, थोड़ा हार्ड से पूछे जाते हैं। मैमोथ का क्या होता है? विशाल या बहुत बड़ा, आकार में दिखने वाला, बहुत बड़ा। ग्रिडी, ह्यूज, प्रोडिजियस, एस्ट्रोनॉमिक। देखिए ग्रिडी मतलब तो होगा नहीं, इसका मतलब होता है लालची। ह्यूज सही हो जाएगा आपका, प्रोडिजियस हो जाएगा सही, और एस्ट्रोनॉमिक भी सही हो जाएगा। राइट आंसर बनेगा बी, सी और डी। ओके चलिए आज का लास्ट पॉइंट है एमनेस्टी। अब ये बताइए आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे या इसका आंसर हम ही बता दें। एमनेस्टी का क्या हो जाएगा हिंदी? सर्वक्षमा या क्षमादान, पार्डन, रिवॉर्ड, फेयरवेल, प्रिविलेज। चलिए बता देते हैं हम इसका आंसर। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, ठीक है, 10 का हो जाएगा राइट आंसर बी। देखिए अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, वहां पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, एक साथ आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, क्योंकि एक एक करके हम नहीं भेजते हैं, भेजेंगे तो आपको एक साथ भेज देंगे। तो ज्वाइन की रहिएगा, वहां पर आपको ये पीडीएफ देखने को मिल जाएगी, तो वहां से भी आप आसानी से पढ़ पाएंगे। तो अभी तक पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस और लेकर के आएंगे, ठीक है। हमारी सभी वीडियोस फ्री होती हैं, कोई भी यहाँ पर चार्जेस नहीं होते हैं, सभी कुछ यहाँ पर फ्री है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिएगा, जिस जब भी हमारी वीडियो अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और वीडियो के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।